मध्य प्रदेश में हो रही बारिश ने नेताओं के झूठे वादों की कलाई खोल कर रख दी है। इस बारिश ने उन नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा मारा है जो विकास के बड़े बड़े वादे करते हैं। सत्ता में बीजेपी के 15 साल हो या कांग्रेस के 15 महीने, सिस्टम खटिया पर दम तोड़ रहा है। वोटरों को पानी में डूबता देख बेशर्म नेताओं की आंखों में शर्म का पानी भी नजर नहीं आता। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि नेता सिर्फ झूठ बोलते हैं। यहां तो अंतिम यात्रा का सफर तय करना हो या किसी बच्चे को दुनिया में आने के लिए सफर तय करना हो, ये सफर पानी में तैर कर ही पूरा करना पड़ेगा। ये है मध्य प्रदेश के विकास की पहली तस्वीर। पानी कमर तक है। ग्रामीणों के कंधे पर एक बुजुर्ग महिला की अर्थी है, वो महिला जो शायद विकास की राह देखते देखते इस दुनिया को ही अलविदा कह गई। वही दूसरी तस्वीर में वो महिला है जो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। यहां भी पानी जन्म लेने वाले बच्चे के लिए बाधा बना हुआ है। खटिया पर इस गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि यह तस्वीरें मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की हैं और इनके दोषी कौन हैं। पहली तस्वीर जो आप बुजुर्ग महिला की अंतिम यात्रा की देख रहे हैं, वो गोविंद सिंह राजपूत के सुर्खियों में रहने वाले सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की है। एक लंबे अरसे से गोविंद सिंह राजपूत यहां के वोटरों की बदौलत विधानसभा तक का सफर तय करते हैं, मंत्री पद भी हासिल करते हैं, मगर इसके बदले सालों से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत अपने वोटरों को एक पक्की सड़क, पुल या पुलिया तक नहीं दे पाए। सत्ता में रहने के लिए मंत्री जी ने पार्टी तक बदल डाली। अरे होश में आइए मंत्री जी, कहीं ऐसा ना हो कि ये वोटर विकास के लिए अपना नेता बदल डालें। और करे भी क्यों ना, यहां तो दाह संस्कार करने जाने के लिए भी कठिनाई उठानी पड़ती है। ये कैसा विकास जहां इंसान के मरने के बाद भी उसके शव को अंतिम यात्रा पर ले जाने के लिए उसके परिजनों को कष्ट भोगना पड़े। राहतगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत पराशरी कला के ग्राम हुरा, जिसकी जनसंख्या 1500 के लगभग होगी, जहां पर मात्र एक ही शमशान घाट है और वो भी क्षतिग्रस्त, तीन छप्पर सब उड़ चुके हैं और रास्ता तो आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं। शमशान घाट के रास्ते के बीच में नाला निकला हुआ है जिसमें वर्तमान में करीब 3 फुट तक पानी भरा हुआ है। बाकी का रास्ता भी कीचड़ में तब्दील हो चुका है। यह अंतिम यात्रा हीराबाई राजपूत की है जो 70 बरस की थी। उनके शव को लोग अंत्येष्टि के लिए कंधे पर रख गहरे पानी में और कीचड़ भरे रास्ते से लेकर शमशान घाट तक पहुंचे। ग्रामवासी संतोष तिवारी ने बताया कि इस संबंध में ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत में भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। आज मेरे गांव में एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम श्रीमती हरिबाई राजपूत, उम्र करीब 70 वर्ष, इनका निधन हो गया था। चूँकि आप इस वीडियो में देख सकते हैं हमारे गांव की हालत, पूरे में घुटना घुटना पानी है। यहाँ इतने में हम लोगों को लेके आए, बड़ी मुश्किल से उनका अंतिम संस्कार किया गया है। इस संबंध में हम लोग ने ग्राम पंचायत बरासरी कला सरपंच से जनपद में लिखित में इस रोड के लिए मंजूरी मांगी गई है और अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। पूरे ग्रामीणों के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है प्रतिवर्ष। अब ये दूसरी तस्वीर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के छिंदवाड़ा मॉडल की है। क्या है छिंदवाड़ा मॉडल? क्या ये जो खटिया पर नजर आ रहा है? छिंदवाड़ा में खटिया पर कमलनाथ का सिस्टम लेटा हुआ है। इस खटिया पर एक गर्भवती महिला है जो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। एक बच्चा सही सलामत इस दुनिया में जन्म ले सके, इसके लिए कई ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक गर्भवती महिला को खटिया पर लिटाकर कंधों पर उठाए अस्पताल तक पहुंचाया। समझ से परे है ऐसा छिंदवाड़ा मॉडल।
छिंदवाड़ा जिले के कोकाठाना गांव में भारी बारिश के कारण नदी उफान पर है। शहर जाने के लिए आज तक पुल भी नहीं बन पाया है। ऐसे में गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए उसे खटिया पर लिटाकर ग्रामीणों का नदी पार करना उनकी मजबूरी है। लेकिन यहाँ छिंदवाड़ा मॉडल के सृजक की कोई मजबूरी नजर नहीं आती। छिंदवाड़ा मॉडल के दम पर सत्ता में आने वाले कमलनाथ ने क्या कभी सड़कों पर उतर कर अपने वोटरों की सुध ली? अगर ली होती तो शायद कमलनाथ दोबारा सत्ता में आने के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे होते। सिस्टम की नाकामी का यह मामला पुंडारना तहसील के कोकाठाना गांव का है, जहां रहने वाली रीना कुमरे को शनिवार को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई, जिसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने एम्बुलेंस का रास्ता रोक दिया और महिला की प्रसव पीड़ा बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे में ग्रामीण गर्भवती महिला को खटिया पर लिटाकर कंधों के सहारे निकल पड़े। इस दौरान नदी का बहाव भी तेज था। बावजूद इसके ग्रामीण अपनी जान पर खेलकर महिला को बचाने के लिए नदी में उतर गए और नदी की धारा को चीरते हुए दूसरे किनारे पहुंच पाए। फिर महिला को पुंडारना सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। अफसोस ये है कि छिंदवाड़ा मॉडल की ढपली पीटने वाले कमलनाथ ने आज तक एक पुलिया भी नहीं बनाई। ग्रामीण हर साल बारिश में जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार करते हैं। सरकार ने पिछले साल ही एक पुलिया के निर्माण की स्वीकृति दी थी, लेकिन लापरवाह ठेकेदार और उन पर अंकुश रखने वाले लापरवाह अधिकारियों के कारण पुलिया का काम आज तक पूरा नहीं हुआ, जो आधी अधूरी पड़ी है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।